जय श्री कृष्णा बच्चों, आज हम लोग कक्षा दो में अंग्रेजी विषय के अंदर पहला पाठ, पाठ संख्या फर्स्ट, स्वामी विवेकानंद, पहला पाठ स्वामी विवेकानंद का अध्ययन आज हम लोग करेंगे। ठीक है ना बच्चों? क्या नाम है अपने पाठ का? स्वामी विवेकानंद। पार्लियामेंट ऑफ वर्ल्ड्स रिलीजियंस, संसार की धर्मों की सभा, संसार के धर्मों की सभा या संसार के सभी रिलीजियन मतलब सभी धर्मों की संसद। ठीक है, पार्लियामेंट, PARLIAMENT, पार्लियामेंट यानी होता है बच्चों संसद या सभा। ऑफ वर्ल्ड, WORLD, वर्ल्ड यानी होता है संसार। रिलीजियंस, RELIGIONS, रिलीजियंस यानी धर्म या धर्मों, तो संसार के सभी धर्मों की सभा या संसद। स्वामी विवेकानंद ऑन द प्लेटफॉर्म ऑफ द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, स्वामी विवेकानंद जी जो है स्वामी विवेकानंद जी धर्म सभा या धर्म संसद के मंच पर, स्वामी विवेकानंद जी धर्म संसद के मंच पर। ठीक है, ये दिखाई दे रहे हैं ना ये बच्चों स्वामी विवेकानंद जी। तो अब आगे क्या है, स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं भारत के महान संत थे। स्वामी विवेकानंद जी भारत के महान संत थे। GREAT, ग्रेट, ग्रेट यानी होता है बच्चों महान, क्या होता है महान। संत मतलब संत, जो संत महात्मा होते हैं ना ज्ञानी लोग, हुए ऑफ इंडिया। स्वामी विवेकानंद वाज अ ग्रेट संत ऑफ इंडिया, स्वामी विवेकानंद जी जो हैं भारत देश के महान संत थे। ही रिप्रेजेंटेड इंडिया इन द पार्लियामेंट ऑफ रिलीजियंस, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है धर्म सभा या धर्मों की सभा में भारत देश की तरफ से उन्होंने उद्बोधन दिया। ठीक है, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है भारत देश की तरफ से जो है धर्मों की सभा में क्या किया, भारत देश की ओर से उद्बोधन दिया। इट वाज हेल्ड इन अमेरिका ऑन 11 सितंबर 1893। धर्म संसार में सभी धर्मों की सभा जो है, संसार के सभी धर्मों की सभा जो है या संसद जो है, यह जो है 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में हुई थी। पूरे संसार के सभी धर्मों की सभा जो है कहाँ पर हुई थी, 11 सितंबर 1893 को अमेरिका में हुई थी, जिसको जो है भारत की ओर से उद्बोधन दिया था वो था स्वामी विवेकानंद जी ने दिया था। ठीक है, कब हुई थी ये सभी धर्मों की सभा, अमेरिका में, कहाँ हुई थी, अमेरिका में, और कब हुई थी, 11 सितंबर 1893 को। ही एड्रेस्ड द ऑडियंस बाय सेइंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, स्वामी विवेकानंद जी ने जो है अपने उद्बोधन में सभी, उन्होंने सभी अमेरिका वासियों को क्या कहा, मेरे भाइयों और बहनों, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, जो वहाँ लोग सुनने हुए आए थे ना धर्म सभा में, जब संत महात्मा प्रवचन देते हैं तो जनता आती है ना, तो वैसे ही अमेरिका की जनता वहाँ पर सभी संतों को सुनने हुए आई थी, सभी संतों को सुनने के लिए आई थी। तो जब स्वामी विवेकानंद जी ने अपना उद्बोधन दिया भारत देश की तरफ से, तो उन्होंने क्या लाइन कही, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, ही एड्रेस द ऑडियंस बाई सेइंग सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, कह के उन्होंने अपने उद्बोधन को शुरू किया।
ऑल द पीपल क्लैप्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑन दिस। जब उन्होंने ये चीज़ कही ना मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, तो वहाँ जितने भी लोग थे उन्होंने बहुत लंबी समय तक तालियाँ बजाई। सबने जो है लंबे समय तक क्या किया, तालियाँ बजाई। अब कोई तो आते क्या कहता है कि हेलो गाइज, मतलब अलग अलग प्रकार से बोलता है मिस्टर या मिसेज, ठीक है। पर उन्होंने क्या कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों। ये शब्द सुनकर अमेरिका के लोगों ने कई देर तक तालियां बजाई। ऑल द पीपल क्लैप्ड, CLAPPED, क्लैप्ड यानी होता है तालियां बजाना। फॉर अ लॉन्ग टाइम, लंबे समय तक उन्होंने इन शब्दों पर लोगों ने तालियां बजाई। दिस एड्रेस हैज अ बेसिक वैल्यू ऑफ ग्रेट इंडियन कल्चर। उनका ये उद्बोधन या उनका ये भाइयों और बहनों बताना, ये जो है भारत देश की संस्कृति का जो है नींव है। भारत देश की संस्कृति की क्या है, नींव है। दिस वैल्यू इज वसुदेव कुटुम्बकम, इट मीन्स मतलब ये जो है बताता है कि सभी संसार में जो भी प्राणी हैं वे सभी आपस में जुड़े हुए हैं, या सभी आपस में भाई बहन हैं, मतलब एक परिवार की तरह है। सभी क्या है, एक परिवार की तरह। द होल वर्ल्ड इज आवर फैमिली, इन शब्दों से ये लगता है कि पूरा संसार जो है एक परिवार की तरह है। दिस इज वैल्यू ऑफ वसुदेव कुटुम्बकम, ठीक है, मतलब संसार पूरा जो है एक परिवार की तरह है। अब जब उन्होंने पूरे संसार को वहाँ, पूरे संसार की धर्मसभा थी, तो स्वामी विवेकानंद जी ने वहाँ के लोगों को क्या कहा, मेरे अमेरिका के भाइयों और बहनों, मतलब हम सभी परिवार के एक ही सदस्य हैं, ठीक है। तो ये कहावत क्या है, सिस्टर्स एंड ब्रदर्स ऑफ अमेरिका कहने के बाद हमारे भारत देश की संस्कृति क्या कहती है, कि पूरा संसार जो है एक ही परिवार है। और उसको ही आगे प्रचार के रूप में स्वामी विवेकानंद जी ने आगे अमेरिका में बताया, ठीक है ना बच्चों। फिर आगे देखो क्या है, ये स्वामी विवेकानंद जी का चित्र है। उनके क्या भाव थे, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और रुको नहीं, उठो जागो और रुको नहीं, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए। क्या है स्वामी विवेकानंद जी के भाव क्या है, विचार क्या है, उत्तिष्ठत जागृत प्राप्य वरानी बोधत, उठो जागो और रुको नहीं। स्वामी विवेकानंद जी का एक ही विचार है कि आप उठो जागो और रुको नहीं, मतलब निरंतर मेहनत करते रहो जब तक कि लक्ष्य की प्राप्ति ना हो जाए, ठीक है। भारत जागो विश्व जगाओ, ये उनके विचार थे, ठीक है। अराइज अवेक स्टॉप नॉट अंटिल द गोल इज रीच्ड, उठो जागो और जब तक अपने लक्ष्य तक नहीं पहुँचाओ तब तक आप रुको नहीं, ठीक है ना बच्चों।